क्लास 10th मैथमेटिक्स, ठीक है, जो बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए ये वीडियो, किसी सेपरेट के लिए नहीं बना रहा हूँ मैं, दोनों के लिए बना रहा हूँ कि किस चैप्टर से किस यूनिट से कितने नंबर का आएगा, ठीक है, ये बच्चे जानना चाह रहे थे। सो देखिए, 2021 बोर्ड में ना जो आपका जो पहला यूनिट है वो आता है आपका नंबर सिस्टम, ठीक है। पहला यूनिट आपका क्या होता है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में क्या होगा कि आपको एक ही चैप्टर मिलेगा और उसमें जो चैप्टर आपका पहला है ना रियल नंबर्स वही आएगा, और इसमें आपको क्वेश्चन आएंगे 6 नंबर का, ठीक है। एक पहला चैप्टर से ही अगर इकलौता चैप्टर 6 नंबर कवर कर रहा है ना 80 में से, तो वो चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है आप समझ सकते हैं। और पहला चैप्टर बहुत ही आसान है, आप आराम से कवर कर सकते हैं। और मज़े की बात है, मैंने सारे चैप्टर करा रखे हैं, उसके साथ लास्ट 10 ईयर के प्रॉब्लम भी करा रखे हैं उसी चैप्टर के, ठीक है। तो उनको भी ज़रूर देखना, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। अगर मैं बात करूँ यूनिट सेकंड, यूनिट सेकंड सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है, सबसे ज़्यादा यूनिट सेकंड, ठीक। तो यूनिट सेकंड जो आपका है एलजेब्रा, वो आ जाएगा आपका 20 नंबर का। कितने नंबर का आएगा? 20 नंबर का आएगा। तो ये 20 नंबर का आपका आएगा, और इसमें पता है कौन कौन से चैप्टर आपके आ जाएंगे? इसमें आपके आ जाएंगे पॉलीनोमियल चैप्टर, चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ये वाला चैप्टर आएगा। फिर इसके साथ साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, ये 4 चैप्टर मिलाकर 20 नंबर का आएगा, ठीक है। सिलेबस के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ, कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, उस पर मैं सेपरेट वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, और कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उस पर भी वीडियो बना चुका हूँ, उनको ज़रूर देखना, ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो। तो ऑन एन एवरेज बात करूँ तो हर चैप्टर से 5 मार्क्स तो आ ही रहा, क्योंकि 20 नंबर का है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये सबसे लेंथी चैप्टर है आपका, और चैप्टर नंबर 3, 4 और 2 बहुत छोटे छोटे हैं, ठीक है, क्योंकि रिड्यूस हो गया सिलेबस, तो उस हिसाब से अब हमारा चैप्टर छोटा हो गया है 2021 के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, बात है समझ में। और ये जो आर्टिकल है ना, सिलेबस जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो इसका फुल क्रेडिट जाता है jagranjose.com को, तो वहाँ पे जाके आप देख भी सकते हैं। अब मैं बात करूँ अगर चैप्टर सॉरी यूनिट थर्ड की, तो यूनिट थर्ड में आपका आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके जो नंबर आएंगे ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका 6 नंबर का आएगा। कितने नंबर का? 6 नंबर का, बहुत ही सिंपल सा है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आपका चैप्टर नंबर 7 है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना एनसीईआरटी का 7th चैप्टर, उसमें से आएगा 6 मार्क्स का। तो काफ़ी इजी चैप्टर है, काफ़ी आसान चैप्टर है, जो 6 मार्क्स आपको मिलेंगे वो फ्री फंड के मिल रहे हैं एक्चुअली, बड़ा आसान चैप्टर है क्योंकि टॉपिक भी रिमूव हुआ है इसमें से। अब आते हैं यूनिट 4 में, ज्योमेट्री में, ठीक है ना, जो आपका यूनिट 4 है ज्योमेट्री, इस ज्योमेट्री में आपको मिलेगा 15 मार्क्स का क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में 15 मार्क्स का आएगा इस चैप्टर, इस यूनिट से। और इस यूनिट में कौन कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 6 जो ट्राइंगल्स है ना एनसीईआरटी का, वो आपको पढ़ना है, ठीक है, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 सर्कल और कंस्ट्रक्शन। तो सर आपका ट्राइंगल, आपका सर्कल और आपका कंस्ट्रक्शन, इन 3 चैप्टरों को मिलाकर जो ज्योमेट्री में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 15 मार्क्स का आएगा, ठीक है। सो बहुत ही ईजी है, कंस्ट्रक्शन भी बहुत आसान है, ठीक है। सो आपको इन 3 चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना है, मतलब चैप्टर 6 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आ जाओ टिग्नोमेट्री में, जो यूनिट 5 है आपका टिग्नोमेट्री, इसमें से आपका 12 मार्क्स का आएगा, और इसमें आपके 2 चैप्टर हैं, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 और एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू टिग्नोमेट्री एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8, और टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और हाइट एंड डिस्टेंस, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ टिग्नोमेट्री। ये जो 2 चैप्टर हैं, इन 2 चैप्टरों को मिलाकर जो क्वेश्चन आएगा वो कितने नंबर का आएगा? 12 नंबर का। कोई दिक्कत नहीं है, और सिलेबस भी आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा कि क्या क्या आपको पढ़ना है। अब आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट में मेंसुरेशन में, नेक्स्ट यूनिट में आपके, इस यूनिट से आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना वो 10 मार्क्स का आएगा। कितने नंबर का आएगा? 10 मार्क्स का। इस यूनिट में आपको जो चैप्टर आपको मिलेंगे एनसीईआरटी के, चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ये आपको पढ़ना है। साथ ही साथ आपको पढ़ना पड़ेगा
सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, ठीक है, यानी कि चैप्टर नंबर 12 और 13, इनसे भी हमारे टॉपिक रिलीज हुए हैं, मतलब रिलीज बोल रहा हूँ, डिलीट हुए हैं। तो ये चैप्टर बड़े आसान है, बस कैलकुलेशन पे फोकस करो, आराम से हो जाता है। तो इस दोनों चैप्टरों से कितने नंबर का आएगा भाई? 10 नंबर का, ठीक है। पहले बार बार मैं बोल रहा हूँ, सभी चैप्टर मैंने करा रखे हैं एनसीईआरटी के, आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं, वीडियो चेक कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो। अब हम बात करते हैं लास्ट यूनिट। लास्ट यूनिट का नाम है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, मतलब चैप्टर का नाम भी वही है, स्टैटिक्स एंड, ये जो चैप्टर है 14 है और प्रोबेबिलिटी चैप्टर आपका 15 है, चैप्टर नंबर 15। तो स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी इसमें से आपका पूछा जाएगा 11 मार्क्स का। बहुत ही इजी चैप्टर है, सबसे ज़्यादा इजी तो प्रोबेबिलिटी है, और स्टैटिक्स चैप्टर भी बहुत आसान है। मीन, मीडियन, मोड निकालने के लिए प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, बड़ा आसान होता है, ठीक है। अगर आप ढंग से पढ़ोगे ना तो क्लास 10th की है जो मैथमेटिक्स है बहुत ईजी होती है, और मेरे तरीके से अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको मैथ्स से प्यार हो जाएगा, मैथ्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। बस मेरे बताए हुए तरीके से पढ़ते रहो। देखो सारा चैप्टर करा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, सभी चैप्टर की लास्ट 10 ईयर की प्रॉब्लम भी करा रखा हूँ, रिवीजन वीडियो भी मैंने शुरू कर दी है। बेहतर प्रिपरेशन के लिए आप हमारा मेंबरशिप प्लान ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।